चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब सही चल रहा है? पेपर आने वाले हैं, कैसे चल रही तैयारी? हाँ, चलिए बच्चों, आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, यूटी भी स्टार्ट हो गए हैं। चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्लास में नहीं समझ आया, पता है मुझे बहुत सारे बच्चों की दिक्कत है ये है। बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, हमें बिल्कुल कंसंट्रेट रहना पड़ता है। जनरल एंट्री है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टेटमेंट पे बेस होता है, परचेजर सेलर के बीच में क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को बहुत कंसंट्रेट से पढ़े करो। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फंडामेंटल्स नहीं आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम है तो कह नहीं सकते, पर हम अपना फिर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। तो पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझते हैं कि सर एक्चुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। हम तो समझ ही नहीं पा रहे बच्चों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, ठीक है? मेरे इस स्टोरी को ध्यान से सुनोगे, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा समझ। बहुत एक्चुअली में इन रियलिटी इट्स अ वेरी 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 इजी टॉपिक, पर आप लोग कहां कंफ्यूज होते हैं, जहां पे क्वेश्चन को रीड करना पड़े। और ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है तो आपको रीड ज्यादा करना पड़ता है, वहीं पे आप क्वेश्चन के भावनाओं में बीच में आके कहीं खो जाते हो, जहां वो दो तीन पेज इधर उधर करेगा बस। और जिनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, वो और ज्यादा ध्यान से देखें, ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं परचेजर की। एक परचेजर है जो कि कुछ आइटम्स अपने गुड्स बेचता है। मान लीजिए उसका राइस का बिजनेस है, ठीक है? सेलर का राइस का बिजनेस, ये दोनों किस चीज का बिजनेस करते हैं? राइस का। ये रिटेल मार्केट में बेचता है, ये होलसेलर है, कुछ इस तरीके का है कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, इसका नाम ए है बच्चों, नहीं वेरी वेरी कॉमन नेम हो जाते हैं ये, आप लोग समझ नहीं पाते, हम थोड़ा सा अलग नाम रखते हैं। ये लीजिए, इसका नाम है विक्की, विक्की भाई हमारे, और इसका नाम है बबलू, ठीक है? विक्की और बबलू तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, जो किस चीज का बिजनेस करते हैं बच्चों? राइस का। इन दोनों के बीच में सेल परचेज होती रहती है। अब बबलू ने 10,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस किसको सेल किए? विक्की को। बबलू ने 10,000 रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस किसको सेल किए? विक्की को। तो अगर ये विक्की के लिए परचेज है बच्चों, अगर ये विक्की के लिए परचेज है तो सेलर के लिए क्या होगी, यानी बबलू के लिए क्या होगी? सेल। सर, हम आपसे एक बात पूछें। पूछो। सर, आप हमें क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा रहे हो? अरे नहीं बच्चों, मैं आपको अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा रहा, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। जब तक आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको इसका बेस नहीं पता चलेगा, मैं आपको एंट्रियां रटवा दूं, जैसे कि आपके स्कूल के मैम या सर ने किया है। वो आए बोर्ड पे, बहुत सारी एंट्रियां लिखी, बच्चों रट लो, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। आप सोच रहे हो क्या होगा तो क्या होगा, आप फंसे हुए इसी चक्कर में। तो इसलिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली है क्या, उस कॉन्सेप्ट को समझ ले तो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है? मैंने बताया कि जैसे दो ये सेलर है एक और एक परचेजर है, जिनका राइस का बिजनेस है। सेलर ने यानी बबलू ने, जिसका नाम बबलू है, विक्की को 10,000 रुपए के गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस सेल किए। कितने रुपए के गुड्स सेल किए बच्चों? 10,000 रुपीज को ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है? यहां पे हमारी बात खत्म हुई। अब ये विक्की है, इसने इसे कुछ भी नहीं कहा कि ये मनी कब देगा, पैसे कब देगा। तो सेलर के मन में होगा ना कि भाई मैंने तेरे को गुड सोल्ड कर दिए, पैसे दे देना। तो हमारे विक्की जी ने कहा, बबलू ने कहा कि भाई मैंने तेरे को 10,000 रुपए के गुड्स दिए हैं, वो उसके पैसे कब आप दोगे? तो हमारे बबलू जी ने ये फरमाइश करी विक्की जी से। विक्की जी ने कहा 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ, हम 3 महीने बाद, मैं 3 महीने बाद आपके पैसे दे दूंगा, ठीक है भाई? दोनों के बीच बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, म्यूचुअल ट्रस्ट था इन दोनों के बीच। क्या था बच्चों? म्यूचुअल ट्रस्ट।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल ट्रस्ट था। उसने कहा ठीक है भाई आप 3 महीने बाद दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कमाल की क्या बात है कि इनका एक दोस्त हरिया था, हरिया, हाँ देखो नाम कितना अच्छा लाता मैं तुम्हें, हरिया। हरिया एक ऐसा पर्सन था जो बेचारा अपने दुख से दुखी नहीं था, वो दूसरों के सुख से दुखी था। तो इसने क्या करा, जाकर बबलू के कान भर दिए। बबलू को बोलने लगा कि इसको पता चल गया कहीं से कि जो हमारा बबलू है उसने 10,000 रुपए के गुड्स विक्की को सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस, और हमारी विक्की जी ने प्रॉमिस किया है कि ये पैसे वो 3 महीने बाद देंगे। अब ये बात हमारे हरिया को पता चल गई। हरिया जी ने जाके बबलू जी के कान भर दिए, कहने लग गया कि बबलू जी आपको पता है विक्की जी ने आपको पैसे नहीं देने। बबलू जी कहने लगे क्यों नहीं पैसे देगा, वो कैसे नहीं देगा पैसे, मैं देख लूंगा उसको। कह रहा देखो आप तो कुछ भी नहीं देख पाओगे, उसने 3 महीने बाद का आपको शायद प्रॉमिस किया है, इसके कान खड़े हो गए बच्चों। हैं, आपको कैसे पता चला कि 3 महीने की बात है। कह रहा वो हर एक से ऐसे ही बोलता है, सामान ले लेगा उधार, कहेगा 3 महीने बाद पैसे दूंगा, जब 3 महीने बाद आप जाओगे तो आपको पहचानेगा भी नहीं। भाई साहब ये सुनते इनके कान दोबारा खड़े हो गए। बबलू जी के तो कान ही खड़े होते जा रहे हैं, आप ध्यान से देखो, क्योंकि इन्होंने कान भरने स्टार्ट कर दिए हरिया जी ने। हमारे हरिया जी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। इन्होंने कान भरने स्टार्ट कर दिए। अब जो हमारे बबलू जी थे थोड़े से घबरा गए। बात देखो 10,000 की बात है, मैं ये आपको कब की बात बता रहा हूं, 1990 की बात बता रहा हूं बच्चों। उस समय 10,000 रुपए 10 करोड़ रुपए के बराबर थे 1990 की। आप सोच रहे हो कि 10,000 रुपए के लिए बबलू क्यों मर रहा है। बच्चों 10,000 रुपए की बात है तो 1990 की भी तो बात है, 1980 की, चलो मैं और कर देता हूँ, लो 1970 की बात है, लो ईयर 1970 की बात है। उस समय 10,000 रुपए 1 रुपए की तो भैंस आ जाती थी बच्चों। आप लोग कैसी बातें कर रहे हो, उसके कान खड़े हो गए, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हरियाणा उसके कान भरती है कि जो हमारे परचेजर जी हैं विक्की जी 3 महीने का प्रॉमिस करके बाद में मुकर जाएंगे कि भाई कौन से गुड्स कौन से पैसे, मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूं। इसका रास्ता क्या हो सकता है बबलू जी के लिए। बबलू जी ने विक्की जी को बोला कि भाई आपने 3 महीने का प्रॉमिस किया है, आप पैसे दो ना दो मैं क्या से भरोसा करूं। ये हमारे जो विक्की जी हैं ये से वेरी ऑनेस्ट पर्सन, ये बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। ये तो हरिया जी की थोड़ी सी बेवकूफी हो गई यहाँ पे, वरना हमारे जो विक्की जी हैं बड़े ऑनेस्ट पर्सन हैं। तो विक्की जी ने बोला बताइए फिर मैं क्या कर सकता हूँ सर आपके लिए। बोला मुझे ना डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक लीगल डॉक्यूमेंट्स कि अगर कल को आप मुकर जाओ कि भैया मैंने कौन से गुड्स लिए आपसे कौन से पैसे, तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना एविडेंस, मैं कोर्ट में जाके बोल सकूं। अब मैं अभी तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, कोर्ट में जाऊंगा कोर्ट बोलेगी सबूत क्या है तुम्हारे पास, तो मैं क्या हरिया को लेके आऊंगा घर से, हरिया तो मुकर सकता। अरे हाँ सही बात कह रहे हो, तो बताइए मैं क्या करूं। हमारे विक्की जी ने बोला कि बताइए मैं क्या करूं। तो हमारे बबलू जी थे बड़े सुलझे इंसान थे, पढ़े लिखे, उन्होंने कहा आप एक लेटर लिख दो, एक लेटर। बोला ठीक है मैं लेटर लिख दूंगा, लेटर में लिखना क्या है। बोला लेटर में बस ये लिखना है कि मैं विक्की, मैंने 10,000 रुपए के गुड्स बबलू जी से उधार लिए हैं, जिसके पैसे मैं 3 महीने बाद दूंगा, और यहां पे अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। एक लेटर लिखिए जिसमें लिखा हो कि मैंने आपसे 10,000 रुपए के गुड्स लिए हैं और ये पैसे मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा। विक्की जी ने ऐसे ही लेटर लिख के किसको दे दिया, बबलू जी को। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब कल को अगर विक्की जी मुकर जाए अपनी बात से, तो बबलू जी कोर्ट में इस बिल को ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारे विक्की जी की सिग्नेचर हैं, और यहां पे उन्होंने खुद कबूला है, उन्होंने खुद ये माना है कि हमने 10,000 रुपए के कुछ बबलू जी से लिए हैं, जिसके पैसे वो 3 महीने बाद देंगे। तो बोलो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया ना, कि कल को बबलू जी कोर्ट में जा सकें, किसी को दिखा सकें कि विक्की जी हमारे पैसे नहीं दे रहे। अब विक्की जी इस बात से ये तो नहीं कह सकते कि नहीं भैया ये तो मेरी सिग्नेचर नहीं है, या ये तो मैंने लिखा ही नहीं, क्योंकि राइटिंग उनके सिग्नेचर उनके। अब बोलो क्लियर है। तो बच्चों एक एविडेंस के तौर पे हम एक बिल इश्यू करते हैं कि आप मेरे पैसे पे कर दोगे, मैं आपसे पैसे 3 महीने बाद लूंगा। यहां पे जहां पे म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म होता है वहां पे ये एविडेंस अराइज हो जाता है।
अब ये एविडेंस अराइज हो गया तो इस एविडेंस का नाम लेटर तो नहीं लिख देंगे ना, या तो फिर इस तरीके का, तो इसका सही नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चैप्टर यहां से उठाइए आपका। अब इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दोनों पार्टी के लिए इस बिल का क्या मतलब है? भैया देखो ध्यान से, जो विक्की जी हैं इस बिल के बिहाफ में पे करेंगे पैसा, और ये पैसा मिलेगा किसे? ये पैसा मिलेगा बबलू जी को। ये पैसा किसे मिलेगा बच्चों? बबलू जी को। कब मिलेगा? 3 महीने बाद। क्लियर? तो यहां पे जो हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो पार्टीज होती हैं वो कितनी होती है? 3 पार्टी नॉर्मली। अभी मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस बता रहा हूं, आगे चल के इंडोर्सर वगैरह भी आ जाते हैं तो वो एक अलग टॉपिक होगा। यहां देखिए 3 पार्टी होती हैं, एक होता है ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। हमारे इस वाले क्वेश्चन में जो हमारे ड्रॉअर हैं वो बबलू जी हैं। ड्रॉअर कौन होता है बच्चों? ड्रॉअर अ पर्सन हु मेक या राइट द बिल। ड्रॉअर वो पर्सन होता है जो बिल को लिखता है, तो ड्रॉई कौन होता है? अच्छा ये भी, ड्रॉई अ पर्सन हु पे द बिल अमाउंट। बच्चों ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल की अमाउंट पे करेगा, और पे कौन होता है? पे अ पर्सन हु रिसीव द बिल अमाउंट, who receive the bill amount। क्लियर बच्चों? तो पे वो पर्सन होता है जो बिल को रिसीव, जो बिल के अमाउंट को रिसीव करेगा। तो हमारी कितनी पार्टीज होती हैं? इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज देयर आर 3 पार्टी, ड्रॉ, ड्रॉय एंड पे। ड्रॉ अ पर्सन हु मेक या राइट द बिल, ड्रॉई अ पर्सन हु पे द बिल अमाउंट, और पे अ पर्सन हु रिसीव द बिल अमाउंट। हमारे इस केस में बबलू जी एक तो ड्रॉअर थे, विक्की जी हमारे ड्रॉई थे, और पे भी बबलू जी थे। सर हम आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, पूछ लो बच्चों, आप मेरे से जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, पर ये टॉपिक बहुत अच्छा है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका एक तो 11th में तो है ही है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में, 12th में भी इसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जब आप डिसोल्यूशन करोगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। सर बबलू जी 2 आदमी हो गए? नहीं नहीं बच्चों, 2 आदमी नहीं हुए। देखिए ये जो बिल को लिखेगा ना वो ड्रॉअर होता है, ये इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है, ये थर्ड पार्टी भी हो सकता है। मान लो ये दोनों अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये किसी चार्टेड अकाउंटेंट को या एडवोकेट को या भी किसी भी एजुकेटेड पर्सन को हायर करके कहेंगे कि ऐसे ऐसे टर्म एंड कंडीशन का एक बिल बना दीजिए, एक लेटर लिख दीजिए। तो जो भी इसको लिखेगा वो ड्रॉअर होगा। अब हमारे केस में बबलू जी पढ़े लिखे थे, मैं क्या कर सकता हूँ? बबलू जी पढ़े लिखे हैं तो बबलू जी ने लिखा, और इस बिल के पैसे बबलू जी को मिलने, तो पे भी बबलू जी हो गए। तो यहां पे क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट बन गया कि ड्रॉअर और पे इट मे बी अ सेम पर्सन। ड्रॉअर एंड पे इट मे बी अ सेम पर्सन, ये दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो बहुत 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 हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को करते क्यों। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ऑल्दो मैंने अपने तरफ से पूरा डिस्क्राइब किया। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है? चलिए तो मैं रब कर दूं, ये आप समझ गए? सर हम समझ गए, यानी पे और ड्रॉअर सेम पर्सन हो सकते हैं। हाँ बच्चों, इट मे बी अ सेम पर्सन, इट मे बी अ अनदर पर्सन टू, ये दोनों अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं और एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये लीजिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया था ना, तो ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। चलिए तो अब हम जरा देखें अपने नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग मेरे साथ ही क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं उसी को सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले एक हेडिंग्स लिखते हैं, ये लीजिए, ड्रॉअर की बुक में और बच्चों ड्रॉई की बुक में, ये लीजिए ड्रॉअर एंड ड्रॉई। तो जो मेरा एग्जांपल था मैं उसी का वो ले लूं बच्चों, ठीक है? तो ड्रॉअर हमारे कौन थे? बबलू जी,
और ड्रॉइंग हमारे थे बच्चों विक्की जी, तो मैंने वही दोनों पर्सन ले लिए, ड्रॉअर और ड्रॉइंग, ठीक है, ड्रॉअर और ड्रॉइंग। चलिए, वैन गुड्स सोल्ड, जब बबलू जी ने गुड्स सोल्ड किए तो जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ, ऑन क्रेडिट बेसिस क्या है, किसको क्या था? बबलू जी को। तो जब भी सेलर गुड सोल्ड करेगा ऑन क्रेडिट बेसिस, बबलू जी नहीं, मैं किसी की भी बात कर रहा हूं, कोई भी सेलर अगर क्रेडिट में गुड सोल्ड करेगा तो उसकी जनरल एंट्री होगी बच्चों डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां पे डेटर का नाम आएगा जिस पर्सन को आप गुड सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। नरेशन भी लिखेंगे हम जनरल एंट्री में, ऑल्दो मैं जनरल का फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, आप लोगों को आता है, बाकी मेरे आप जनरल वाले टॉपिक में जाके देख लेंगे, उसमें मैंने फॉर्मेट बनाना सिखाया है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू एक्स वाई जेड, जिसको भी गुड सोल्ड किया उसका नाम। अगर इन्होंने सेल करे तो इन विक्की जी ने हमारी परचेज करी होगी, ये लीजिए वैन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, तो परचेज की एंट्री क्या होगी बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यहां पे क्रेडिटर का नाम आएगा जिस पर्सन से आप गुड्स बाय कर रहे हो उसका नाम है टू क्रेडिटर, ठीक है। बीइंग गुड्स परचेज चलिए सेकेंड एंट्री है व्हेन बी आर एक्सेप्टेड। सर आपने ये क्या लिख दिया, बी आर लिख दिया, आपने बताया नहीं है। अरे एक मिनट रुक जाओ भैया, वैन बीपी एक्सेप्टेड, कहानी में ट्विस्ट है बच्चों, ध्यान से समझोगे तभी समझ आएगा, वरना एक बार बीच में गायब हुए तो वापस नहीं आ पाओगे। चलिए दूसरी एंट्री, जब बिल एक्सेप्ट होता तो एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, जिससे आपको बिल एक्सेप्ट हो रहा है उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा और हमारी नई एसेट्स बन जाएगी बी आर, और यहां पे हो जाएगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीपी, ठीक है, बीइंग बी आर एक्सेप्टेड। Being BP accepted. चलिए इसके बाद वन बिल अमाउंट रिसीव्ड, जब तीन महीने पूरे होंगे ड्रॉअर बिल की पेमेंट, ड्रॉई बिल की पेमेंट कर देगा तो क्या एंट्री होगी? When bill amount received. बच्चों बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर, और इसके यहां पे एंट्री होगी वैन बीपी पेड, वैन बिल अमाउंट पेड, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये तीन एंट्री बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, वन गुड्स सोल्ड तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये ड्रॉअर की बुक में, ड्रॉई परचेज कर रहा होगा गुड्स, वन गुड्स परचेज तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, वन बीपी एक्सेप्टेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो ये तीन एंट्री है, इस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, पर अभी दो तीन चीजें ऐसी आ रही है जो आपको शायद तंग करे, वो क्या है? एक, मैंने आपको ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट के बारे में नहीं बताया, ठीक है, बिल आफ्टर साइट का मतलब नहीं बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया, और मैंने आपको यह नहीं बताया कि बीआर की फुल फॉर्म क्या है, बिल्स रिसीवेबल। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को, और बिल्स पेबल की, बिल्स पेबल की, बीपी की, बिल्स पेबल, ये लीजिए,
ये फुल फॉर्म है इसके, मैंने शॉर्टकट यूज किया। ऑल दो आप भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो एब्रीवेशन लिख के, आप अपने एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एब्रीवेशन लिख दीजिए एक बार, फिर उसके बाद यही वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है। सर ये बीपी और हमें समझ नहीं आ रहा बी आर क्यों बन रहा है, बीपी क्यों बन रहा है, अरे अभी तो समझाई थी स्टोरी, भूल गए आप लोग। ये देखिए, ये हमारे विक्की जी हैं, ये हमारे बबलू जी हैं, इन्होंने गुड सोल्ड किए थे, इन्होंने कहा था 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, इनको भरोसा नहीं था। बबलू जी ने एक लेटर लिखा था, किसने लेटर लिखा था, बबलू जी ने, कि विक्की जी ने पैसे गुड्स लिए हैं और विक्की जी ने सिग्नेचर कर दिए थे यहाँ पे कि हाँ मैं 3 महीने बाद आपको इसके पैसे दे दूंगा और साइन कर दी थी। तो जिस दिन विक्की जी ने इस वाले लेटर पे, दिस इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सिग्नेचर किया था, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, साइन किया था, तो विक्की जी के लिए ये हो गया था बिल्स पेबल, यानी उनकी लाइबिलिटी, उनकी एक जिम्मेदारी कि उनको इस बिल के पैसे पे करने हैं बबलू जी को 3 महीने बाद। और बबलू जी के लिए बन गया था ये बीआर, बिल्स रिसीवेबल, इनकी एसेट्स है, इस बिल के पैसे 3 महीने बाद बबलू जी से ले, विक्की जी से लेने हैं। क्लियर, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चन करें एक, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ये लीजिए। तो बी आर बी पी पता चल गया, मैं रब कर रहा हूं, ये लीजिए। तो क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ मेरे, बहुत छोटा क्वेश्चन लिखवाऊंगा आज मैं, एक छोटा क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद हम अगले क्लास में थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करेंगे, जब आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद समझ आ जाए, तो आप लोग इसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, जब आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा तो अगली वीडियो तभी देखिएगा ना, क्योंकि अगली वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट डाल दूंगा, तो फिर क्या होगा, आप एकदम से एक कॉन्सेप्ट में बिल्कुल परफेक्ट हुए नहीं, आपके बाकी कॉन्सेप्ट आ गए तो आप पजल हो जाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ, ठीक है, ये लीजिए, लिखिए सारे बच्चों मेरे साथ ही लिख लो बच्चों। हां जी, बबलू जी सोल्ड गुड्स, बबलू सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 एज ऑन 1st January 1970 टू विक्की, फुल स्टॉप। भैया बबलू जी ने गुड सोल्ड किए हैं 10,000 के एज ऑन 1st January 1970 टू विक्की को, विक्की इमीडिएटली, विक्की ऑन द सेम डेट, हाँ आफ्टरवर्ड afterward Bablu draw a bill for the same amount on Vicky payable after 3 month, payable after 3 month, full stop. Vicky accepted the bill and returned it to Bablu after sign the bill. Please stop. On the due date, bill was honored. Bill was honored. Pass journal entry in the both party. In the both party. चलिए क्वेश्चन ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे इसके लेवल पे भी बढ़ेंगे, अभी इस चैप्टर में ऑलमोस्ट बच्चों
3 to 4 वीडियो आएगी जिसमें पूरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, बबलू सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 एज ऑन 1st January 1917 टू विक्की, आफ्टरवर्ड बबलू ड्रॉ अ बिल फॉर द सेम अमाउंट ऑन विक्की, पेबल आफ्टर 3 months, विक्की एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू बबलू आफ्टर साइनिंग द बिल, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड। ये लिखिए बच्चों, ये वाला वर्ड ना आपने BRS चैप्टर में पढ़ा होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिसऑनर्ड, यहां पे ऑनर्ड है, वहां पे डिसऑनर्ड का ज्यादा यूज हुआ। डिसऑनर्ड और ऑनर्ड, ऑनर्ड का मतलब है बच्चों आपने पैसे पे कर दिए या आपको पैसे मिल गए, डिसऑनर्ड का मतलब आपने पैसे नहीं पे किए और आपको पैसे नहीं मिले। तो डिसऑनर्ड नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ऑनर्ड पॉजिटिव को रिगार्डिंग पेमेंट, ठीक है, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन मेरे पास ये रहा और जर्नल एंट्री मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, फॉर्मेट में ही फिल करना है, तो मैं ये रब कर दूं। तो अब हमें किसके बुक में एंट्री करने है, ये लीजिए, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट एंट्री करूंगा। ये लीजिए, सबसे पहले हम बबलू जी की बुक में एंट्री करते हैं, फिर विक्की जी की बुक में एंट्री। ये लीजिए, तो पहली एंट्री बच्चों अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो, तो मैं यहां तक की एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बबलू सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000 ऑन 1st January 1917 टू विक्की, ठीक है, बस यहीं तक की। बबलू जी ने 10,000 रुपए के गुड्स विक्की जी को सेल किए, तो बबलू जी ने कैसे सेल किए, किसको, विक्की को, तो विक्की अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने रुपए के गुड्स, 10,000 के। अगर बबलू जी की ये सेल है बच्चों, बबलू जी की क्या है, सेल, तो विक्की जी की क्या होगी, ये विक्की जी के लिए बताइए क्या होगी, है सर सिंपल सी बात है, दो पार्टी हैं, एक ने सेल करा तो दूसरे की परचेज होगी, इसमें इतना क्यों सोचते हो मेरे भाइयों, तुम लोग तो बिल्कुल ही एकदम आइंस्टाइन बन के रहोगे। तो इनकी परचेज हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सॉरी टू बबलू, क्लियर है, नरेशन नहीं लिख रहा मैं, वैसे इसके नरेशन होंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बबलू, बीइंग गुड्स सेल टू विक्की, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखना, कह रहा है बबलू ड्रॉ अ बिल फॉर द सेम अमाउंट, यानी बबलू ड्रॉ अ बिल फॉर द सेम अमाउंट ऑन विक्की पेबल आफ्टर 3 months, विक्की एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न इट टू बबलू आफ्टर साइनिंग द बिल। ओहो देखो, दो लाइन और एंट्री सिर्फ एक लाइन की, देखो दो लाइन, बबलू ने एक बिल ड्रॉ किया विक्की के ऊपर, पेबल किया, पेबल मतलब विक्की जी आप इसके पैसे दोगे, ठीक है, अच्छा ठीक है, विक्की जी कह रहे हैं हम दे देंगे, विक्की जी ने साइन करके एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भैया दे देंगे 3 महीने बाद। तो देखो इनकी बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो एविडेंस मिल गया ना एक, वो BR एसेट्स है, इनको इसके पैसे मिलेंगे, टू विक्की जी से इनका रिश्ता खत्म हो गया बच्चों। अब जब क्यों खत्म हो गया, अरे भाई आपके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट खत्म हो गया, तो रिश्ता भी खत्म, नया रिश्ता, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये लीजिए BR अकाउंट डेबिट टू विक्की, इनके यहां पे क्या होगा, बबलू अकाउंट डेबिट, बबलू जी से रिश्ता खत्म, नई लाइबिलिटी हो गई, बिल्स पेबल, क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, अब तीसरी एंट्री कर रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ, ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ओनर्ड, ड्यू डेट पर बबलू जी विक्की जी के पास गए कि भाई 3 महीने पूरे हो गए, पैसे दे दो, विक्की जी इतने अच्छे थे, विक्की जी ने पेमेंट कर दी, तो इनकी लाइबिलिटी खत्म हो गई, टू बैंक, इन्होंने अपने बैंक से पेमेंट करी, कैश से पेमेंट की होती तो कैश लिखते, ठीक है, तो ये लीजिए कैश, ये पैसे किसको मिले होंगे, किसने पे किए, विक्की जी ने पे किए, किसको पे किए होंगे, ये हमारे बबलू जी को पे किए, तो बबलू जी के पास क्या एंट्री होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक, टू किस चीज के पैसे मिले, बिल्स रिसीवेबल के, किस चीज के पैसे मिले बच्चों, बिल्स रिसीवेबल के, बोलो कोई डाउट, तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलिए क्लियर है। तो पहले सेल करने की, इसके बुक में परचेज, फिर बिल एक्सेप्ट करने की, तो दोनों का एक्सेप्ट हो, इसके लिए लायबिलिटी बनी, इसके लिए एसेट, और फिर बिल पेमेंट की, तो इनकी लायबिलिटी गई, पैसा भी गया, इनके पास पैसा आया और एसेट्स गई,
क्योंकि अब उसके पैसे मिल गए तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें मैंने ड्रॉ ड्रॉइ पे के बारे में बताया आपको, प्लस आपको जो स्टार्टिंग के एंट्रीज हैं, बेसिक एंट्रीज, वो समझाई और इस कॉन्सेप्ट को बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, ऑल्दो मेरे पास थोड़ी सी टाइमिंग की कमी होती है बच्चों, वरना इसी स्टोरी में हम सारी चीजें डाल देते हैं, क्योंकि एक डेढ़ दो घंटे की वीडियो बनाना एक टफ टास्क हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ऑल्दो मेरी बहुत सारी क्लासेस भी चलती हैं, तो दो तीन घंटे की वीडियो मैं ये सारा कंटेंट एक साथ पढ़ा दूं, बट मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना पाता हूं टाइमिंग की कमी की वजह से। फिर भी आप लोग इस दो तीन वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेरा पार्ट वन कंप्लीट हो गया बच्चों, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों इसे शेयर करिए, लाइक करना ना भूलिए प्लीज बच्चों, लाइक जरूर करिए करिएगा वीडियो के देखने के बाद, ठीक है, और अपने सारे फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने के लिए करिए, शेयर करिए व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे शेयर करिए। तो मेरा फेसबुक पेज है बच्चों www.facebook.com/sandeepeducation, ये बच्चों मेरा फेसबुक पेज है, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरी मेल आईडी है बच्चों kumarsandeep9441@gmail.com। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर आपको कोई क्वेश्चन कराना है तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लीज बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, हम अपने वीडियो में जल्द ही आएंगे आपके लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। जय हिंद बच्चों।